अर्नब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक ग्रुप आज हिंदुस्तान के अंदर सच का पर्यायवाची बन गया है और झूठ का, अन्याय का जो पर्यायवाची है वो बन गई है महाराष्ट्र की सरकार और उनके साथ साथ उनके वहां पर बैठी हुई पुलिस, जो अपनी वर्दी का, अपनी कुर्सी का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं दो लाइनें बोलना चाहती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना महाराष्ट्र की फासिस्ट सरकार में है। इनको ये बात साफ हो जानी चाहिए अर्नब जी कि हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी है। जन आंदोलन बनने की आवश्यकता नहीं है, जन आंदोलन बन गया है। आज सुबह से हम तमाम लोग इस विषय पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और जिस तरीके का सपोर्ट दोबारा से आपके लिए सोशल मीडिया पर है, बाकी जगह है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो सच के साथ खड़े होते हैं। आपने अभी ये बात बोली, आपको बोला गया 400 रुपए में पीआरपी खरीदने वाला, आपको बोला गया कि आपने टीआरपी का गेम किया, जबकि बाद में हंसा ने क्लियर कर दिया है कि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप ही नहीं है। हवाला ऑपरेटर आपको बताया गया और उसको प्रूव नहीं कर पाए। फेक टीआरपी क्या क्या इन्होंने नहीं किया। आई फियर फॉर योर लाइफ अर्नब, आई डू फियर फॉर योर लाइफ वेरी जेन्युइनली। एंड इसीलिए मैंने तब भी आदरणीय गृह मंत्री जी सर, आज भी मैं निवेदन करती हूँ कि आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। जहां तक आपका और आपके आपके चैनल का सवाल है, स्वामी जी ने जो बात बोली, आई सेकेंड दैट एंड आई अग्री विद हिम कि हम सब जन आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से मैं गई थी, तब भी गई थी जब आप जेल में थे, आज भी जाएंगे जरूरत पड़ने पर, जहां भी जाना पड़े सड़कों पर, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई की अर्नब गोस्वामी, ये लड़ाई आपकी नहीं है। आप जेल अपने लिए नहीं गए थे, आप जेल हिंदुस्तान के लिए गए थे, सच दिखाने के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि आपने हमारे संत महाराजाओं के लिए न्याय मांगा, आपके पीछे ये पड़ गए। सुशांत के लिए न्याय मांगा, आपके पीछे पड़ गए। दिशा के लिए न्याय मांगा, आपके पीछे पड़ गए। सीएए का सच आपने दिखाया, तब से इनको चिढ़ है। जो कांग्रेस पार्टी है, तब से उनको आपसे चिढ़ है। हाथरस में आपने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बचाई अर्नब गोस्वामी, आपने इस देश को, उत्तर प्रदेश को जलने से बचवाया, आपने मासूमों की हत्या होने से, पॉलिटिकल हत्या होने से वहां पर उन लोगों को बचाया। हाथरस के जो पूरा प्लॉट था उसको एक्सपोज करके इनको परेशानी हो गई। कृषि आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और एक के बाद एक आप उस सच को भी सामने लेकर के आते हैं तो इनको तकलीफ होती है, इनको परेशानी होती है। ये तो ये चाहते हैं कि जो भी चीज हिंदुस्तान के विरोध में जाती है, जो भी चीज हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए होती है, उस सच को कोई दिखाए ना। अर्नब गोस्वामी दिखाने की हिम्मत करेगा तो अर्नब के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जनता जनार्दन होती है। अर्नब जी, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी अर्नब जनता की अदालत में आएंगे। और आज जनता रिपब्लिक के साथ, अर्नब गोस्वामी जी के साथ खड़ी है। आप में से किसी की कोई गलती नहीं थी, किसी का कोई नाम नहीं था उस पे टीआरपी केस में, तो ये सजा किस बात की दी जा रही है? मैं तो शॉक हूँ ये जान करके कि ये 2 दिन के पुलिस